Subscribe to the Indian Reporter and press the bell icon. आज हम बात करेंगे सीबीआई के नए डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में। उनका जन्म 23 अगस्त 1960 को हुआ था। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से ताल्लुक रखते हैं। ऋषि के पिता का नाम बालकृष्ण शुक्ला है। उनकी बहन का नाम श्रमिता पांडे है। दोस्तों, ऋषि कुमार शुक्ला की शादी मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी आरपी शर्मा की बेटी नीलम शर्मा के साथ हुई, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ऋषि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर से की। उनका जोडियक साइन वर्गो है। अगर बात करें उनकी हॉबीज की, तो उन्हें टेनिस खेलना बहुत पसंद है। अब हम जानेंगे उनके करियर के बारे में। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषि अपने परिवार के साथ कोलकाता चले गए। वहाँ उनके पिता हिंदुस्तान मोटर्स में जनरल मैनेजर के रूप में काम करने लग गए। दोस्तों, उनके दादा रामेश्वर शास्त्री 1921 से 1944 तक लाला के बाजार में जाने माने आयुर्वेदाचार्य थे। वह जिस गली में अभ्यास किया करते थे, वहाँ के लोगों ने उस गली का नाम डॉक्टर रामेश्वर शास्त्री लेन रखा। ऋषि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर में एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन पारिवारिक मुद्दों के कारण वह आईआईटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके और वापस ग्वालियर चले गए। उन्होंने ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर ऋषि ने यूपीएससी एग्जामिनेशन देने का निर्णय लिया। वर्ष 1983 में अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लिया। जब उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल किया गया, तब वह सिर्फ 23 साल के थे और वह उस बैच के सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी थे। 1985 में उन्हें रायपुर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया। 2009 में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस के पद पर नियुक्त किया गया। 2016 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राज्य के अगले डीजीपी के रूप में कार्यभार सौंपा। डीजीपी रहते हुए उन्होंने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा उन्होंने 8 सिमी संदिग्धों को भोपाल सेंट्रल जेल से बाहर निकलने के कुछ ही घंटों बाद मरवा दिया था। दोस्तों, वह ऑफिशियल स्टेट ट्विटर अकाउंट रखने वाले पहले डीजीपी हैं। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। 2 फरवरी 2019 को उन्हें 2 साल के लिए सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वह सीबीआई का नेतृत्व करने वाले फाउंडर डायरेक्टर डीपी कोहली के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे पुलिस अधिकारी हैं।